और अगर यही चीज़ आपको सिंपल रेशियो में ऐसे दी होती, देखो तब तो आप सिंपल कर लेते, ठीक है। जैसे आपको ये ट्रायंगल दिया होता, ए बी बी सी, ये ई है और ये आपका डी है, ठीक है, या ये डी और ई मान लेते हैं इसको, ओके। तो अगर ये ऐसे दिया होता 3 4, और यहाँ पे कुछ भी होता मतलब 5, और यहाँ पे 8, और यहाँ पे एक्स, ठीक है, ये आपसे पूछी होती साइड, तो आप क्या करते हैं, सिंपल इनको रेशियो में रख लेते हैं। 3/4 इज इक्वल टू 5/x, इसका रेशियो ये बनता, ठीक है, जो कि ये यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है। तो इसको फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इनको हम कर देते हैं जब इक्वल टू का साइन आता है बीच में, ठीक है। तो ये 3x इज इक्वल टू 5/4 हो जाता, फिर ये x इज इक्वल टू 5/20/3, और जो भी आपका आंसर आता, ठीक है, ये तो ऐसे हो जाता। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, एक क्वेश्चन और आता है ट्राइंगल्स में से इस तरह का, ठीक है, और इसमें यही ट्राइंगल बनता है ए बी सी, और ये आपका डी और ये ई। तो इसमें कई बार क्या होता है, आपके ये बताया होगा कि डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, तो ये वाली जो लाइन है आपकी, ये इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपसे अब ये वाली साइड नहीं पूछी, अब आप आपको ये जैसे 3 और ये 4 दिया होगा, तो अब आपसे ये साइड पूछेंगे। आपको सपोज ये दे दिया इन्होंने 7, और पूछा है डी ई, डी ई फाइंड करना है। तो अब इन पैरेलल लाइंस का क्या रेशियो लेते हैं भाई, यहाँ पर देखो आपको बताती हूँ मैं। इसमें एक छोटी सी बात याद रखें, अगर आपको रेशियो याद नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, देखो C/B, याद करने के लिए, बच्चों को याद नहीं रहता है कि कौन सा हमें किस रेशियो में लेना है। C/B का मतलब है छोटा और बड़ा, देखो आपको हंसी आएगी लेकिन आपको याद हो जाएगा ये, फिर छोटा और फिर बड़ा, ठीक है, या फिर छोटी और बड़ी ले लेते हैं यहाँ पर, छोटी और बड़ी। छोटी और बड़ी का मतलब है यहाँ पर इस साइड पर छोटी कौन सी है, ये AD, तो हमने AD लिखा। फिर बड़ी कौन सी है, बड़ी मतलब ये पूरी, तो AB आ गया। उसके बाद अब पैरेलल लाइंस में बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी, ये आपको दिख रहा है, ये छोटी है, कौन सी है, सी से छोटी, DE हो गई हमारी। और पैरेलल लाइंस में बड़ी कौन सी है, BC, तो हमने लिख दिया BC। तो अगर आपको याद ना आ रहा है तो ऐसे याद रखना, छोटी लाइन फिर बड़ी लाइन, छोटी लाइन पैरेलल लाइन फिर बड़ी पैरेलल लाइन, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही बच्चों को याद करवाया था, ये इजी हो जाता है। तो अब आप इसका रेशियो आ गया, अब इसको ऐसे लिख लोगे, 3 हमारी AD है और हमारी AB जो पूरी है वो कितनी हो जाएगी, 4+3 दैट इज इक्वल टू 7। फिर अभी हमें DE फाइंड करनी है, तो हम DE लिख लेंगे, और BC कितनी गिवन है, 7, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ट्राइंगल्स में बेसिकली ये 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं।